हाय गाइस, वेलकम टू कोड सीखे। और इस वीडियो में हम लोग आस्की नंबर कैसे निकालना है वो सीखेंगे। अब आस्की नंबर एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, तो चलो देखते हैं इस वीडियो में। अगर मैं बात करूं कि आस्की नंबर क्या होता है, तो देखो यार, कोई भी अगर करेक्टर हम लोग लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, तो उसका एक आस्की वैल्यू होता है जो कि इंटरनेशनल जानी जाती है। ठीक है, यानी उसका एक नंबर में क्या वैल्यू होगा, मान लो ए की वैल्यू कितनी होगी अगर हम लोग 1 2 3 4 इस तरह के नंबर में बात करें तो, और बी की वैल्यू कितना होगा, बड़ा बी की वैल्यू कितना होगा, छोटा बी की वैल्यू कितना होगा। तो इस तरह से जो भी नंबर होंगे उसको हम लोग आस्की वैल्यू बोलते हैं। तो चलो देखते हैं कि कैसे निकालना। अगर एक बार निकल जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, आस्की वैल्यू किसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया कि एक प्रोग्राम बनाया है और वहाँ पर सिंपल सा एक कैर नाम का वेरिएबल बनाया, क्योंकि हमको कोई भी किसकी आस्की वैल्यू निकालेंगे, कोई करेक्टर की है तो आस्की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक कैर नाम का वेरिएबल बनाया जो कि ए है। ठीक है, और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, मैंने एक यहाँ पे समझाता हूँ मैं थोड़ा सा कि वेरिएबल मैंने कैसे माना। यहाँ पे दो वेरिएबल तो मैंने माना नहीं है, तो ये वाली वेरिएबल हम लोग ने माना है जो कि यहाँ पे। ठीक है, ये वाली वेरिएबल हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, यानी इमेजनरी है ये, अज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा भी कुछ एक वेरिएबल है। ठीक है, अगर यहाँ पे ए आएगा, कैपिटल वाली ए आएगा, तो यहाँ पे ए का आस्की वैल्यू ऑटोमेटिक आनी चाहिए। ठीक है, यानी कि ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को फिजिकल क्या है, सिर्फ ये है क्या, इमेजनरी अज्यूम करेंगे। ठीक है, चलाते हैं आगे। इंटर है करेक्टर, हम लोग कोई भी एक करेक्टर लिखेंगे। मैंने कैपिटल ए लिखा और वो चला जाएगा कहाँ, ए वाली वेरिएबल में। मैं थोड़ा सा उसको क्लीन करता हूँ, ए वाली वेरिएबल में वो चला जाएगा। अब देखो यार, जैसे ही ए वाली वेरिएबल में आए तो उसकी आस्की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गया, यानी कि ए कैपिटल ए की आस्की वैल्यू कितना था, 65। 65 क्या है, एक इंट टाइप की वेरिएबल है। ठीक है, और ए क्या है, एक कैर टाइप की वेरिएबल है। अगर अब बता दो कि अगर हमको कैर प्रिंट करवानी हो तो क्या लिखेंगे, परसेंट सी लिखेंगे। ठीक है, अगर हमको इंट प्रिंट करवाना हो तो क्या लिखेंगे, परसेंट डी लिखेंगे। ये तो पता है ना आपको। ठीक है, परसेंट डी और परसेंट सी कैसे लिखना है, तो इसी तरह से मैं यहाँ पे करता हूँ। आस्की वैल्यू इज़, अब हम देखो कि आस्की वैल्यू हमको प्रिंट करवाना था, आस्की वैल्यू क्या है, ये है, तो परसेंट डी लिखा। अब किसको हम आस्की वैल्यू प्रिंट करवाएं, इसका तो हम वेरिएबल माने नहीं है, तो हम आगे क्या लिखेंगे, ए को लिख देंगे। यानी कि सिंपल सा ए को प्रिंट करवा दो, किसमें, इंट में, यानी ए को प्रिंट करवा दो कि उसका इंटीजर में वैल्यू कितना होगा वो हमको प्रिंट करवा के दिखा दो। तो देखो मैं यहाँ पे जैसे इंटीजर में वैल्यू प्रिंट करवाऊंगा तो वहाँ पे आ जाएगा 65। अब देखो यार, कन्फ्यूजन ना रहे इसके लिए मैं यहाँ पे कोड करके दिखाने वाला हूँ, वीएस कोड में। चलो चलते हैं वीएस कोड में और देखते हैं कि वहाँ पे कैसे आस्की वैल्यू प्रिंट होने वाली है। तो मैं जल्दी से खोल लिया वीएस कोड और यहाँ पे मैं लिखूँगा आस्की वैल्यू, यहाँ पे मैंने बना के रखा है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको मैं डिलीट करता हूँ और फिर से लिखने की कोशिश करता हूँ। मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर लिया ताकि आपको दिखाई दे। अब मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप भी मेरे साथ साथ कोड लिखते चलें ताकि प्रैक्टिस होते रहेगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, कैर नाम की एक वेरिएबल बनानी है। मान लो मैंने सी एच बनाया और उसको हम लोग यहाँ पे एक प्रिंटफ से मैं बोलूँगा कि भाई तुम मुझे कोई भी एक करेक्टर इंटर कर दो ताकि मैं उसका आस्की वैल्यू प्रिंट करवाऊँ। उसके बाद मैं स्कैन करूँगा और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि परसेंट सी लगाएंगे, क्योंकि हम लोग एक करेक्टर को स्कैन कर रहे हैं और उसको डाल देंगे कहाँ, सी एच में, क्योंकि हमारी जो वेरिएबल थी वो सी एच थी। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रिंटेफ और यहाँ पे देख लो यार कि अगर मैं, सॉरी, यहाँ पे लिखूँगा कि एक सेकंड, कैर वैल्यू इज़, सबसे पहले मैं यहाँ पे कैर वैल्यू को प्रिंट करवाना हूँ,
इसीलिए परसेंट सी लिखूंगा, और यहाँ पे कैर वैल्यू का वेरिएबल आइडेंटिफायर दे दूंगा। ठीक है, फिर हम लोग कैर वैल्यू की जो आस्की वैल्यू है उसको हम लोग प्रिंट करवा के देख लेते हैं। तो आस्की वैल्यू इज, तो उसको किससे प्रिंट करवाएंगे, परसेंट डी से, क्योंकि वो एक इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी और इसका वेरिएबल भी क्या होगा, आइडेंटिफायर क्या होगा, परसेंट सॉरी सी एच। इस तरह से हम लोग बनाएंगे और उसके बाद हम लोग रन करवाते हैं और देखते हैं इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आने वाला है। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक करेक्टर को इंटर करवाना है, तो मान लो मैं कैपिटल एच डाला और इंटर करवाया, तो देख सकते हैं यार कैर वैल्यू इज एच एंड आस्की वैल्यू इज 72। अब यहाँ पे देखो यार कि दोनों लाइन जो है वो एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो हम क्या चाहते हैं कि ये इतना लाइन एक लाइन में और उसके बाद निचला लाइन में। तो हम लोग ने पहले देख चुका हूँ कि एस्केप सीक्वेंस कैसे यूज करना, तो यहाँ पे लगाएंगे फॉरवर्ड स्लैश एन। इसका मतलब क्या होगा कि ये वाली जो लाइन है वो तो एक लाइन में प्रिंट होगा, लेकिन इसका मतलब है कि आगे वाली जो भी लाइन होगी वो दूसरे लाइन में प्रिंट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे जल्दी से रन करवाता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा वहाँ पे नहीं लिखना, मुझे नीचे वाले लिखना टी, कैपिटल टी, और इंटर करवाऊँगा। तो अब देख सकते हैं कि मैंने कैपिटल टी इंटर करवाया था, उसका आस्की वैल्यू कितनी है, 84 है। ठीक है, इस तरह से आप आस्की वैल्यू निकाल सकते हैं। आई होप गाइस आस्की वैल्यू निकालना आपके लिए बहुत ही ईजी हो गया होगा। अगर आप कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करना, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।